अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इसमें वाहन चोर एक घर के बाहर खड़ी एक्टिवा का लॉक तोड़ता है। सिर्फ 3 सेकंड में वह लॉक तोड़ देता है। जैसे ही चोर गाड़ी लेकर निकलने वाला होता है तो वाहन मालिक आ जाता है। उसे देखकर चोर गाड़ी वहीं छोड़कर भागता है। वाहन मालिक भी उसका पीछा करता है, जिस पर वह आगे खड़े अपने बाइक सवार साथी के साथ वाहन पर सवार होकर भाग जाता है। पर इस दौरान वाहन चोर के चेहरे पर डर दिखता है। घटना डीडीवाना ओली लश्कर की है। घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर दो पॉइंट पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अब यह फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहर के डीडवाना ओली निवासी ओम अग्रवाल लॉ स्टूडेंट है और उनके पिता कारोबारी हैं। डीडवाना ओली में ही उनकी शॉप है। शाम को ओम बाजार से घूमकर घर आया और एक्टिवा को दरवाजे पर खड़ी कर अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी नजर अंदर सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी। उसने देखा कि एक बाइक से दो युवक आए। दोनों युवक उसे संदिग्ध दिखे और उसने उनकी निगरानी की, तो एक युवक बाइक पर बैठा रहा तो दूसरा उसकी एक्टिवा के पास आया और लॉक तोड़ना शुरू कर दिया। बदमाश को एक्टिवा का लॉक तोड़ते देखकर ओम नीचे भागा और जब वह नीचे पहुंचा, बदमाश उसकी एक्टिवा का लॉक तोड़कर स्टार्ट कर चुका था। उसे दौड़कर आते देखकर बदमाश एक्टिवा को छोड़कर अपने साथी के पास पहुंचा और भाग निकला। छात्र ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो उसकी नजर बदमाश की कमर पर लगे कट्टे पर पड़ी तो वह घबरा गया और इसी बीच बदमाश भाग निकले। छात्र का कहना है कि यदि वह बदमाशों के और करीब जाता तो वह फायर भी कर सकते थे। बदमाशों के चेहरे खुले हुए थे, ऐसा छात्र ने पुलिस को बताया है। छात्र का कहना है कि बाइक चला रहा बदमाश हेलमेट लगाया था, जबकि जो बदमाश लॉक तोड़ रहा था उसका चेहरा खुला हुआ था और उसके सिर पर साफी बंधी हुई थी। यदि छात्र एक्टिवा चोरी करने वालों को वापस देखेगा तो पहचान लेगा। शहर में कई वाहन चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो हर दिन 4 से 5 वाहन चोरी कर रहे हैं। उनके टारगेट पर बाजार, कोचिंग सेंटर व पास कॉलोनियां रहती हैं। पुलिस भी करीब आधा सैकड़ा स्थानों पर वाहनों की चेकिंग करती है, लेकिन यह चोर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि पुलिस का ध्यान सिर्फ चालानी कार्यवाही पर रहता है।